राष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी के पुतले को दहन किया गया। भाजपा की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। हापुड़ से संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। देखिए, उन्होंने संसद में वीडियो बनाया उनके खिलाफ और धनखड़ जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इसी पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सब साथ में मिलकर राहुल जी का ये पुतला फूका गया है ताकि ये सबक मिले कि आगे से ऐसा वो ना करें और राहुल जी को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं नहीं, मजाक भी लिया है, वीडियो बनाया गया है और यूं यूं करके दिखाया गया है। ये अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं सही। पुतला फूका गया, किसका पुतला फूका, क्या है पूरा का? राहुल गांधी जी का पुतला फूका गया है। उन्होंने इस देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी का जो अपमान संसद में किया गया है और वो उसका फोटो शूट करते रहे और खुश होते रहे, उनका जो वो मजाक बना रहे थे, हमने उसके ये जो उनका जो है अपमान किया है उसे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं सहेगी। हमने उसका पुतला फूंका है। अच्छा, विपक्ष के भी कई सांसद है जो बाहर कर दिए गए हैं, तो उन लोगों का कोई इधर जनाधार नहीं है। आप देखिए, वो एक विपक्ष के बड़े नेता हैं, एक कांग्रेस पार्टी के जिसने इस देश पर बहुत लंबे समय तक राज किया है, उसके एक बड़े नेता उनका फोटो शूट करते रहे, ये एक अच्छी बात नहीं है। उन्हें जो है पहले से ही आदत पड़ी हुई है इस देश में किसान का अपमान करने का, पिछड़ों का अपमान करने का, दलित का अपमान करने का, उन लोगों को बराबर इसकी आदत पड़ी हुई है। अच्छा, एक तरफ आप पुतला फूंक रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेसी भी हंगामा कर रहे हैं, वो भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, किस चीज़ के आरोप लगा रहे हैं? वो देश के उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं वहाँ संसद में बैठकर। वहाँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई दो शब्द नहीं कहे, किसी ने भी कोई दो शब्द नहीं कहे, बल्कि वहाँ सब सामूहिक उनका मजाक बना रहे थे।